बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बारिश हो रही है और ऐसे में कुछ गर्मा गर्म खाने का दिल बहुत चाहता है, और आज हम बना रहे हैं चिकन पकोड़ा। वो भी हम उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से पकोड़ों वाले चिकन पकोड़ा बनाते हैं। तो आइए देखते हैं जो पकोड़ों वाले होते हैं वो चिकन पकोड़ा किस स्टाइल से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन को अच्छे तरीके से धो लिया। सबसे पहले हम चिकन में बेसन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम शामिल करेंगे दरदरी मिर्च, और ये पकौड़ों वाले जब भी चिकन पकौड़ा बनाते हैं तो उसमें दरदरी मिर्च ही इस्तेमाल होती है, और ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो ज़्यादा कर लें। अब हम शामिल करेंगे खुश्क धनिया और अजवाइन। ये दो चीज़ें भी ऐसी हैं जो लाजमी होती हैं, जो पकौड़ा बनाने वाले हैं वो जब भी चिकन पकौड़ा बनाते हैं तो इनका इस्तेमाल ज़रूर होता है। हाथ की मदद से थोड़ा सा मसल लेंगे और उसके बाद शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब पानी शामिल करेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा शामिल करना है, क्योंकि ज़्यादा पतला नहीं इसको हमने करना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा पानी डाल लें, और मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि पानी कम है तो मज़ीद शामिल कर लें। अभी इसको हम मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया, और अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऑयल हमारा जो है वो फुल गर्म हो गया। अभी हम चिकन को फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑयल काफ़ी गर्म है, इसलिए एक दफ़ा हिला दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है, और बारिश में ये मैं आपको कुछ मनाज़र दिखा रहा हूँ छत के ऊपर से।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी, चिकन हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम ऑयल को थोड़ा सा मजीद गर्म होने देंगे, उसके बाद दूसरा पराठा इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अभी ऑयल को हमने 5 से 7 मिनट दोबारा गर्म किया है। अभी इसमें हम दोबारा शामिल करते हैं चिकन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, देखें चिकन कितना जबरदस्त तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें चिकन माशाल्लाह कितना जबरदस्त तैयार हुआ। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। ये सब जो बड़ी कड़ाही है उसका कमाल है, क्योंकि बड़ी कड़ाही में जो है वो चिकन बहुत ही जबरदस्त तैयार होता है। कोई भी चीज इसमें फ्राई करने वाली जो है वो बड़ी जबरदस्त फ्राई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी अबू जी, कैसे बने थे? माशाल्लाह गरम पकौड़े बहुत मज़ेदार बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो ये बड़े ही आसान तरीके से हमने बनाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।